What's good everybody, बहुत टाइम बाद अपन एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि भाई निफ्टी 50 क्या है। बेसिकली बहुत लोगों को नहीं पता रहेगा लेकिन ये 50 mm है। 50 mm को बहुत सारे लोग निफ्टी 50 बुलाते हैं। निफ्टी 50 इसलिए बुलाया जाता है इस लेंस को क्योंकि ये जो लेंस है ना ये प्राइम लेंस है, बाप है चीज़, मतलब हर एक कैमरा के इसमें चला जाएगा और ये जो काम करता है दूसरा कोई लेंस नहीं कर पाएगा। क्योंकि कैसा है ना, इसका अपर्चर 1.4 का है, तो अपर्चर 1.4 का तो समझ सकते हो उसकी ओपनिंग कितनी ज़्यादा होगी और कितना लाइट कैप्चर कर रहा रहेगा अंदर और कितना अच्छा ब्लर दे रहा रहेगा। तो सोच रहे हो बाकी लेंस जो कम से कम लाखों करोड़ों में आते हैं, ये जो लेंस है ये सिर्फ और सिर्फ हज़ारों के रुपए में आता है, 10,000 के अंदर आता है। ऐसा नहीं कि भाई 15,000-20,000-40,000 के अंदर, लेकिन ये जो लेंस है बहुत सही है। और इस लेंस के बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये लेंस बहुत सही है। इनफैक्ट ये लेंस हर एक कैमरा में बैठता है और हर एक कैमरा में बैठने के बाद प्रोज एंड कॉन्स भी आते हैं। प्रोज एंड कॉन्स इसके ऐसे हैं ना कि अगर ये लेंस बैठा है 700D में जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये स्मॉल फ्रेम लेंस है, ठीक है, मतलब स्मॉल फ्रेम कैमरा है 700D। तो आप जो फ़ोटो लेंगे इस लेंस से, तो उस लेंस से आप जो फ़ोटो लेने वाले हैं वो छोटा आएगा और कम जगह में आएगा, जैसे कि मतलब कॉम्पैक्ट रहेगा। और जो आप 5D पे लेंगे इस फोटो, वही सेम फ़ोटो को, तो उसका मैं एक सैंपल भी बता दूंगा आपको इस बोलने के बाद, चैटर्जी ख़त्म होगा तभी। तो आप जब फ़ोटो लेंगे इस वाले लेंस से 5D पे, तो बहुत सही फ़ोटो आने वाला है क्योंकि वो फुल फ्रेम लेंस है और उस पर बहुत सही जचता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप 700D पे यूज़ नहीं कर सकते या दूसरे कैमरा स्पेस को यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा टेंशन मत लो यार, फोटो हर एक में बाप ही आता है, बस अब अपने अंदर का फोटोग्राफर जगाओ, समझ रहे हो ना, भाई की बात समझो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। देखो अभी कैसा ना, ये 50 mm आप हर फोटोग्राफर को दो, वो अपने मोटिव से यूज़ करेगा। ये जो चीज़ है ये भाई धमाका है, मतलब जो यूज़ करा वो भाई नेल डिड ब्रो, मतलब वैसा चीज़ है। इसमें स्टेबलाइजर नहीं है सिर्फ और सिर्फ वही प्रॉब्लम है, बाकी जो है ये बहुत सही है। बाकी और चीज़ मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि यार प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी के साथ साथ इसमें एक और चीज़ इन कैनन वालों ने ऐड की है जो पहले नहीं था, वो अब है। यहाँ पे जो ओपनिंग आप लोग इसका देख रहे हो ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, नहीं तो पहले जो आता था प्लास्टिक बॉडी था बहुत हल्का था, थोड़ा सा भारी कर दिया लेकिन उतना भी नहीं है, और मफिन जैसा लग रहा है, मन करता है कभी खाने को, लेकिन बहुत सही है यार, बहुत सही। आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और बेसिकली आप लोग को ये सेटअप कैसा लगा वो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी बहुत सारे सेटअप चेंजेस कर रहा हूँ मैं, बन के आ रहा है भाई, क्वालिटी कंटेंट आना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं। तो ये चीज़ बहुत सही है, हर बिगिनर फोटोग्राफर प्रो फोटोग्राफर इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि कैसा है, मैं भी पहले बैक इन द डे फोटोग्राफर था, पैशन था, लेकिन उतना खास पैशन नहीं था जितना यूट्यूब के लिए था उस टाइम भी। जैसे कि 2017 में भी मेरे को यूट्यूब का पैशन बहुत था, लेकिन फ़ोटोग्राफी करनी ज़रूरी थी क्योंकि फ़ोटोग्राफी से आप वीडियोग्राफी सीखते हो समवेयर, लेकिन वो एक टैलेंट होता है, ठीक है। तो इतना ही बताना चाहता था, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ज़्यादा एडिटिंग नहीं था, कुछ नहीं था, बस सिंपल शॉर्ट वीडियो था जिसमें आपको मैं 50 mm का मैं बता रहा था, कि मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि कैसा है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, और ये एक्सपेरिमेंट ब्लॉग था और तुम्हें पता ही है कि मेरे को एक्सपेरिमेंट कितना पसंद है और आगे भी पसंद है, मतलब आगे भी पसंद होने ही वाला है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आपकी ऑडियंस बोर हो जाएगी। और देखो बीरोल शॉट्स तो डालने ही पड़ेंगे, नहीं डालूंगा तो फिर भाई ओम का ब्लॉग कैसे हो गए, समझ रहे हो। तो अभी बीरोल शॉट्स आने वाले हैं, 3, 2 और उसका कैसा है ना, आप जो फोटो लेंगे आप जो इस फोटो नथिंग है,